विवेक जी, सबसे पहले आपको मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। आपने आज डेमो ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस ऐप के थ्रू आप ज्वाइन किए हैं वो ऐप है क्या। बेसिकली ये ऐप है स्क्रीन शेयरिंग सिस्टम, मतलब कि ये नेट मीटिंग के लिए बनाया गया है, जो कि आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल फोन, अपने टैब पे देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से स्टॉप शेयर कर दूँ तो आप अपनी स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर पे जाइए, स्क्रीन पे जाइए, तो अपनी स्क्रीन भी मुझे शेयर कर सकते हैं। जैसे कुछ दिखाना हो, कुछ समझाना हो, तो आप मुझे अपनी स्क्रीन को भी शो कर सकते हैं। साथ में जो सेशन, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ, दो मिनट दीजिए। और दूसरी चीज, हर सेशन जो है रिकॉर्ड होता है, और इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट होके आपके माय डॉक्यूमेंट के जूम फोल्डर में चला जाता है। हेलो, जूम फोल्डर में वाइज फोल्डर बनके इसमें आपकी स्टोर हो जाती है। तो रिकॉर्डिंग होने से क्या होता है, क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग होगी वो इन फ्यूचर, क्योंकि क्लासेस तो मैं आपको लाइव दूंगा, मैं लाइव समझाऊंगा, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, अपने होमवर्क, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, और आफ्टर द क्लास वो सारी रिकॉर्डिंग एक डिजिटल नोट की तरह आपके पास सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर में कभी दिक्कत हुई या प्रैक्टिस करने के लिए उस रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हैं। सबसे पहले, और दूसरी चीज है, एक क्लासेस जो है तकरीबन 45 मिनट से एक घंटे की होगी। ड्यूरेशन टॉपिक के हिसाब पे और आपके क्वेश्चन के हिसाब से होगा कि टॉपिक आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, टॉपिक चला तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए या टॉपिक लेंथी है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो एक घंटे के आसपास या ऊपर भी जा सकता है। तो एवरेज 45 मिनट से एक घंटे के बीच में क्लास हमारी हर दिन मंडे टू फ्राइडे होती है। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपको सीखना क्या है, एडवांस एक्सेल, वीबीए मैक्रो या दोनों। ओके, आप वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, राइट? ओके, तो सबसे पहले बता दूं, अगर वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पे आपको एक्सेल की नॉलेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर एक्सेल की नॉलेज अच्छी नहीं है तो आपको सीखने में काफी प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज, अगर हम वीवीए सीखते भी है तो वीवीए का यूज बहुत ही लिमिटेड करते हैं, क्योंकि वीवीए का यूज हम वहां करते हैं जहां हमारा रिपीटेड वर्क होता है या फिर कुछ ऐसा काम की लेंथी है, मैनुअल करने में टाइम लगेगा। इन केसेस में ही हम वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग क्या है कि एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इन फीचर्स के अलावा आपको एक नया फीचर चाहिए जो कि आपके सिस्टम में नहीं, एक्सेल में नहीं है, आपको रिक्वायर है, उस केस में वीवीए प्रोग्रामिंग का समझे। इसलिए वीवीए, हाँ, हमने बताया आपको रिपीटेड जॉब या लेंदी जॉब, दो चीजों में करते हैं। तो जैसे कि आप समझते हैं कि वीवीए का यूज होता क्यों है, ये चीज को समझ लीजिए। तो रिपीटेड वर्क में ऐसा काम जो हमें बार बार करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि 100-200 लोगों को मेल भेजना है, आपको डेली भेजना होता है, या फिर कोई एक रिपोर्ट को डेली करना होता है, उस केस में इस्तेमाल करते हैं। और वीवीए के थ्रू हम तीन चीजें करते हैं। पहला हम करते हैं वो मैक्रोज बनाते हैं। मैक्रोज एक ऑटो पायलट की तरह होता है, एक ऑटो पायलट की तरह होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इस पे दे देता हूं। मेरे पास एक छोटा डेटा बना देता हूं, एक छोटा डेटा मैं बना रहा हूं। स्मॉल डेटा भी इफेक्ट जल्दी समझ में आ जाता है, बड़े डेटा भी क्या होता है इफेक्ट बताना पड़ता है कि देखिए यहां पे ऐसे हुआ है। कि मेरे पास ये पांच फाइलें, पांच सीटों पे डेटा है, या पांच फाइलें भी हो सकती है, ये पांच सीटों पे हमारा डेटा है, राइट? और मैं चाहता हूं कि मेरा सारा शीट का डेटा इस पे एक डेटा शीट पे कॉपी हो जाए। मैं मैनुअल करता हूं तो काफी टाइम लगता है, क्योंकि हो सकता है तो पांच ही हो सकता है, 50 हो, 500 सीट भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं सारा एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो जाए, और ये मुझे हर दिन करना होता है। हम डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे, एक नया मॉड्यूल्स ऐड करेंगे,
और इस पे हम सब वीवीए प्रोग्रामिंग का ये डालते हैं, सब्जेक्ट डाल दिया हमने यहाँ पे दिया कि 4 i इक्वल टू चले 1 2। अब ये कोड क्या है जब हम प्रोग्राम आपको पढ़ाएंगे तो ये सब समझा देंगे, बस अब बता रहा हूं कि हम करते क्यों हैं। उसके बाद शीट्स थोड़ा सा हम कोड यहां लिख रहे हैं, बस अब मैं जस्ट इस कोड को रन करूंगा और रन करते ही देखिए क्या होगा, पूरा सीट का डेटा विद इन सेकेंड में कॉपी पेस्ट हो गया ना सर। हाँ तो हेडिंग हम हटा देंगे, हमने हेडिंग हटा हमने बताया ना, बस एग्जांपल शो कर रहा हूं, तो ये चीज हटाई जा सकती है, इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है ना, वो सब करेंगे हम, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीवीए प्रोग्रामिंग का काम होता है इसी तरह से, क्लियर है। और ऐसे हर एक कोड में आपको समझाऊंगा, आप लाइट देखेंगे, अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि सर ये देखिए ये कैसे हुआ, दोबारा बताइए, रिपीट करवा लेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम है, जैसे मान लो ऑफिस में काम करते समय कुछ प्रॉब्लम आई, छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए आप मुझे उसी समय कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और क्लास में पूछ लीजिए। अगर मान लीजिए कि टॉपिक बहुत एडवांस हुआ, मुझे लगा कि आप अभी समझ नहीं, तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो हम क्या करेंगे उसी समय अगर पॉसिबल हुआ तो बता देंगे, या फिर कोई बैच जो उस चीज़ के समझने के लिए एलिजिबल होगा उस बैच में उसको एज ए टॉपिक बना के फिर उसकी वीडियो हम आपको भेज देंगे या फिर आपको लाइव बता बुला लेंगे। ठीक है, देखिए मैं बेसिकली मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो मेरा एड्रेस आपको मिल जाएगा यहाँ। हाँ मेरे कई सारे दर्शनपुरी में, देखिए मैं क्या है कि मैं पहले ट्रेनिंग सेंटर में क्लासेस देता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया, तो ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद क्या है कि ये मेरे मेरा एक ऑफिस है यहाँ दक्षिणपुरी में, क्या दिखा रहा है यहाँ दक्षिणपुरी में मेरा ऑफिस है इस एड्रेस पे, दूसरा एक मुजफ्फरपुर में ऑफिस है, और ये क्या बोल रहे हैं, हेलो आपने कुछ बोला सर, मैं सुन नहीं पाया। देखिए सर फिलहाल तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, फिलहाल मैं यहाँ इस एड्रेस पे हूँ, ठीक है ना, बट दिल्ली कोरोना वायरस के चक्कर में दिल्ली जाना था तो दिल्ली आया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ही मिलेगी, क्लासरूम ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगी। रीजन ये है कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देता, मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट हूँ और कुछ कंपनियों के साथ हमारा टाइप है, तो थोड़ा सा मैं मूव होते रहता हूँ, कभी मुंबई रहता हूँ, कभी मुजफ्फरपुर, कभी दिल्ली, कुछ मैंने गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट मैंने ले रखे हैं जहां मुझे जाके उनके प्रॉब्लम रिपोर्ट्स को ऑटोमेट और प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना पड़ता है, इसलिए हम क्लासेज जब भी देंगे आपको ऑनलाइन देंगे। बट ऑनलाइन क्लासेज भी बहुत अच्छा है क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे, इवनिंग में 8 बजे ऐसे क्लासेज आप ले सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे, हम 2 बजे तक रात में क्लासेज देते हैं, तो ऐसे क्लासेज आप ले सकते हैं लाइव मेरे साथ। अरे मिलने की बात, तो अभी तो मैं उस एड्रेस पे नहीं हूँ, जब तो पहुँच लीजिएगा सर। प्रॉब्लम है कि आज पहले दिन आपने ज्वाइन किया है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप ऑफिस निकल रहे हैं कि घर पे ही हैं अभी आप?